फिर से स्वागत है हमारी YouTube चैनल म्यूजियम दुर्गा मैन्युफैक्चर में। दोस्तों, आपने पल्वराइजर तो बहुत देख लिए, लेकिन आज हम आपके लिए एक यूनिक सा मशीन लेके आ गए हैं। दोस्तों, ये है वेट ग्राइंडर मशीन। पुराने जमाने में हम जो पत्थर से चटनी पीसते थे, वो सब अभी हमको दिखाई नहीं देता, तो हमने उसका इनोवेशन करके ये हमने न्यू मशीन बना ली है। आप देख सकते हैं दोस्तों, ये है 7 लीटर का वेट ग्राइंडर मशीन। ये देखिए, पूरा का पूरा हेवी मॉडल है, और यहाँ हमने ये पत्थर वाली जो आती है उस टाइप का हमने बनाया। ये भी पत्थर है, अंदर भी आप देख सकते हैं, ये भी पूरा पत्थर है। और ये है SS का 304 मिरर फिनिशिंग वाला, आप देख सकते हैं। देखिए, यह स्पेशल बना है कोकोनट की चटनी बनाने के लिए, और इसमें हम गीला चावल हो या फिर गीली कोई भी वस्तु हो, इसमें हम आसानी से पीस सकते हैं। और यह इलेक्ट्रिक से चलती है, इसमें 1 HP की मोटर आती है, और यह दोस्तों 2-in-1 है। यह हम चटनी तो पीस ही सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ आप ये देखिए, इसमें हम कोकोनट का जो होता है क्रश, वो भी हम यहाँ से कर सकते हैं। जब ये मशीन स्टार्ट होती है तो ये अपने आप स्टार्ट हो जाता है, तो इससे हम क्या होता है, कोकोनट का जो पूरा का पूरा क्रश है वो यहाँ से हम कर सकते हैं। तो ये 2-in-1 मशीन है, इसमें हम कोकोनट का मावा भी कर सकते हैं। कोकोनट हो या और कोई भी आप हो, वो सब इसमें हम मावा या क्रश आप जो भी। 1 HP की मोटर आती है, इसमें 2 मॉडल आता है, एक टिल्टिंग में आता है, लेकिन ये रेगुलर वाला ही डिलक्स मॉडल है। और दोस्तों, इसमें एक बढ़िया बात ये है कि इसमें मोटर कहीं से भी दिखती नहीं है, आप देख सकते हैं, पूरा का पूरा पैक है। मोटर आपको कहीं से भी नहीं दिखेगी, मोटर पूरी इसमें हमने पैक कर दी है। इसमें हमने पुली बेल्ट वो सब आता है, वो सब इसमें अंदर ही आ गया है। इसमें अब बाहर कुछ भी नहीं दिखा था। और ये देखिए, यहाँ पे हमने स्टैंड भी दिया है। पूरा मशीन का वेट 115 kg के आसपास है, तो काफ़ी हेवी मॉडल है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे हमने जो दिया है, वो साइड में आपका कोई भी मटेरियल हो वो चिपके ना, इसलिए हमने ये साइड में दिया है, ताकि ये पूरा का पूरा चलता रहे। इसमें आप 5 लीटर से 20 लीटर तक का आपको मिल जाएगा। ये अभी 7 लीटर का है, और इसमें 1 HP की मोटर है। अगर आपको 5 लीटर में चाहिए या फिर 20 लीटर में भी आपको चाहिए, तो वो भी मिल जाएगा। ये स्पेशल कोकोनट की चटनी बनाने के लिए ही बना है, और आप और कोई भी डोसा इडली का बैटर हो, वो भी आप इसमें पीस सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।